हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7, प्लीज़ टेक आउट योर मैथ्स बुक, चैप्टर 12, पेज नंबर 204। चैप्टर 12 में है कंस्ट्रक्शन। तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तुम लोग को मैं समझा दूंगी, तुम लोग कर लेना। अच्छा, नंबर 1 पे है, ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। Draw another line CD parallel to AB which passes through point P. Okay, तो क्या बोल रहा है, एक लाइन खींचना है AB, उसके आउटसाइड में एक P पॉइंट लेना है, उसके बाद ये P के ऊपर मतलब P के ऊपर पास करके एक पैरेलल लाइन बनाना है CD, AB पैरेलल CD। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बनाई हूँ, पहले क्या है, कोई भी एक नाप लेके AB एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, ठीक है। उसके बाद एक आउटसाइड में मैं पी मार्क की हूँ, एक पॉइंट ली हूँ पी, ठीक है। अभी ये पी और इधर ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इधर मैं पॉइंट लगाई हूँ क्यू, पी और क्यू इस लाइन पे ज्वाइन करना है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, ठीक है। उसके बाद इधर जो क्यू पॉइंट आया है इसके ऊपर कॉम्पस रख के तुमको एक आर्क बनाना है, इसके ऊपर रख के पॉइंट करके एक ऐसा कोई भी नाप लेकर एक ऐसा आर्क बनाना है। उसके बाद जो मैं नाप लेके इधर आर्क बनाई हूँ वो पी में बैठा के और एक आर्क लेना है, ठीक है। जो जो नाप से इधर की हूँ वही नाप से इधर में होगा। उसके बाद इधर पॉइंट लगा के मैं इधर नाप ले लूँगी कितना सा है, ठीक है, जितना सा है वैसे ही इधर बैठा के मैं इधर काट लूंगी, ठीक है। तो ये और ये सेम आ गया। अभी ये वाला पॉइंट और पी का पॉइंट स्ट्रेट लाइन कर दूंगी। तो देखो ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन बन गया। ये है वन टाइप ऑफ पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का एक प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक तो है, इसके नीचे बस लिख देना है ए बी पैरेलल सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन। ओके, तो ऐसे करके हम लोग पैरेलल लाइन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलेंगे नंबर 2। नंबर 2 में है, ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट पी, जैसे हम लोग आगे वाला किए थे वैसा ही है, दैट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो क्या करना है, तुमको पहले ए बी लाइन खींचना है, उसके बाद ए बी के ऊपर से एक 5 सेंटीमीटर लाइन खींचना है, जो लास्ट में जाके जहां एंड होगा वहां पी लगाना है। ड्रॉ अनदर लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी विच पासिस थ्रू पॉइंट पी। जैसे मैं ये वाला बनाई हूँ वैसे ही करना है नंबर 2 का, ए बी लाइन खींचना है, उसके बाद ये वाला जो लाइन होगा ये वाला 5 सेंटीमीटर होगा, वैसे करके नाप लगाना है। स्ट्रेट कट तुम लोग क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, उसके बाद ये स्केल लेके इधर 5 सेंटीमीटर देख के उसके बाद तुमको पॉइंट लगाना है कहाँ पी होगा, उसके बाद ज्वाइन करके जैसा ये वाला बनाई हूँ सेम प्रोसेस में नंबर 2 का भी होगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 2 का तुम लोग खुद कर लेना। नंबर 3 का देखो, गिव अ लाइन एल, ड्रॉ अनदर लाइन एम पैरेलल टू एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ओके, तो जैसे हम लोग पहले ए बी लाइन बना रहे थे वैसे हम लोग को एल लाइन बनाना पड़ेगा, सी डी पैरेलल कर रहे थे उसमें एम पैरेलल करना पड़ेगा, और इसमें डिस्टेंस क्या है 4.6। ओके, तो देखो जैसे पहले का था वैसे भी तुम लोग बना सकते हो। मैं और एक ठो प्रोसेस दिखाई हूँ नंबर 3 में। इधर ये वाला पहले लाइन खींच लेना है 4.6 जो हमको दिया गया है, ठीक है। तो मैं एक लाइन खींची हूँ ऐसे ही नॉर्मली, कोई सेंटीमीटर वगैरह वैसा कुछ नहीं है, एक कोई नाप लेके एक स्ट्रेट लाइन खींची हूँ, उसमें नाम लगाई हूँ एल। ओके, अभी इसमें हमको एक बीच में पॉइंट लेकर मैं क्या बनाई हूँ, 90 डिग्री बनाई हूँ, ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री बनाऊंगी और स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। स्ट्रेट लाइन कितना होगा, 90 डिग्री बनाने के बाद मैं स्ट्रेट लाइन खींच लूंगी, उसके बाद ये जो 4.6 है उसका नाप लेके इधर काटूंगी। तो कैसे हुआ 90 डिग्री, तुम लोग तो जानते हो बनाना, इधर पॉइंट लगा के एक आर्क बनाना है फुल आर्क, उधर फिर इधर से एक और इधर से एक करके इधर एक ठो इधर एक ठो, फिर मैं 90 डिग्री बना ली हूँ, पूरा स्ट्रेट लाइन खींचूंगी। उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद ये जो 4.6 में पहले रखी थी उसको उसका नाप लूंगी, ठीक है। उसका नाप लेने के बाद मैं इधर बैठा के इसमें कट कर दूंगी,
तो इधर मुझे मिल गया 4.6, तो ये 4.6 का मैं इधर हो गया, तो ये वाला मैं इधर से स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी, दैट इज M, ये वाला हो गया M, तो ये क्या हो गया L पैरेलल M, और ये बीच का जो है वो हो गया 4.6 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट। तो देखो क्या लिखना है, L पैरेलल M इज द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 का बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को ए बी सी एक ट्राइंगल बनाना है जिसका तीनों साइड का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीनों साइड दिया है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5.5, वो हम लोग इधर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक रफली कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को जो ड्रॉ करना है वो उसमें कुछ इधर उधर नहीं होगा, कुछ कट छट नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रफली बनाना पड़ेगा। तुम लोग चाहे तो नहीं भी बना सकते हो, मैं तुम लोग का अच्छे के लिए बोल रही हूँ। ये वाला क्या करना है, ये इजी होगा प्रोसेस, ये तुम लोग एक रफली बना लोगे, एक ट्राइंगल है उसमें ए बी सी नाम लगाई हूँ, 6 सेंटीमीटर 5.5। तो क्या है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन लंबा सा खींचना है, उसके ऊपर मैं 6 सेंटीमीटर का नाप लूंगी, 6 सेंटीमीटर का नाप लेके इधर मैं काट लूंगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर नाप लेके इधर काट लूंगी, फिर इधर बैठा के 5 सेंटीमीटर का नाप लूंगी, क्योंकि इधर मैं 5 का ली हूँ, तो 5 का नाप लेके इधर काटूंगी और 5.5 का लेके इधर काटूंगी, तो ये ज्वाइन कर दूंगी, तो बन गया ए बी सी। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5.5 और 6 सेंटीमीटर, ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्लियर, मैं बार बार बोल रही हूँ, आगे इधर रफ बना लेना तो ये ड्रॉ करने में सुविधा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नंबर 4 का हो गया। ओके, तो नंबर 5, 6, 7 भी 4 के तरह ही है, ये तुम लोग खुद कर सकते हो। देखो, कॉन्स्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी ए बी ए सी, तीनों का दे दिया है नाप, तो क्या करेंगे, हम लोग रफली एक ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद नंबर 4 जैसा किए थे वैसा ही कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम लोग कर लेना। अच्छा, नंबर 6 का देखो, नंबर 6 का बोल रहा है, कॉन्स्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी ए बी दे दिया है। ओके, ऑल्सो अ ड्रॉ परपेंडिक्युलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, तो जब परपेंडिक्युलर बाइसेक्टर बी सी के ऊपर करने बोला है, तो बी सी हमेशा नीचे देना है। ठीक है, तो ये तुम लोग रफ में जब करोगे याद रखना, ए बी सी एक ट्राइंगल बना रहे हो, बी सी नीचे लगाना, तो बी सी को तुम लोग बाइसेक्ट कर सकते हो, जैसा नंबर 3 का मैं की हूँ, वो L लाइन को मैं बाइसेक्ट की थी, वैसे ही करना है, परपेंडिक्युलर बनाना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो फिर मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं दिखा दूंगी, लेकिन तुम लोग खुद ट्राई करो, तुम लोग कर पाओगे। नंबर 7 का देखो, कॉन्स्ट्रक्ट अ इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड मेजर्स 5.8 सेंटीमीटर, ये भी तुम लोग कर सकते हो, बस क्या करना है, मेजर ईच एंगल्स, हर एंगल को मेजर करके लिखना है, हर एंगल कितना नाप का, कितना डिग्री का है वो लिखना है। ठीक है, बाकी तुम लोग कर पाओगे। ओके, अच्छा, नंबर 8 का देखो, नंबर 8 में दिया है, कॉन्स्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी 5.5 सेंटीमीटर, ए सी 6.4 सेंटीमीटर एंड बी ए सी 45 डिग्री। तो इसमें क्या है, इसमें एक डिग्री दिया गया है और दो ठो सेंटीमीटर, मतलब दो ठो साइड का नाप दिया है, एक एंगल का दिया है, तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको करेंगे पहले दो ठो साइड का जो है वो हम लोग स्केल से कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद एक 6.4 सेंटीमीटर बोल दिया है, तो एक लंबा सा लाइन खींचेंगे, उसमें से 6.4 का नाप लेकर मैं 6.4 काट लूंगी। ठीक है, ओके, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 6.4 काट लिए, उसके बाद हम लोग 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 45 तो हम लोग ऐसे ही कर सकते, अगर 45 नॉर्मली स्केल कॉम्पस से नहीं होता तो हम लोग प्रोटेक्टर यूज करते। ठीक है, तो इसमें देखो 45 पहले 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, पहले 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, 90 डिग्री का जो लाइन होगा वो थोड़ा हल्का सा देना, क्योंकि वो मेन नहीं है, तो 90 डिग्री से हम लोग हाफ कर लेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 के बाद हम लोग ये वाला एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे जहाँ 45 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5.5 का नाप लेके हम लोग इधर काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर से ये वाला ज्वाइन कर देंगे, बी और सी ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा,
तो ट्राइंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, इसको भी मैं रफ नहीं की हूँ क्योंकि मेरा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन तुम लोग कर लेना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर 8 के तरह बाकी सब भी है। देखो बाकी सब में दो ठो का साइड दिया है और एक ठो का एंगल दिया है, वैसे करके इधर और भी है, वो सब तुम लोग खुद कर लेना। तो बाकी तुम लोग कर लेना, मैं तुम लोग को होमवर्क देती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ऑलवेज इन्फॉर्म मी। ओके, तो नंबर 12 का मैं कर दी हूँ, जितना अगर करो, जितना नहीं हो पाए तो मुझे इन्फॉर्म करना, और एक्सरसाइज मैं तुम लोग को भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है,